आज हम बात करेंगे कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ, ये आईपीओ ओपन हुआ था 29 दिसंबर को, और आज 8 तारीख है। कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ जो आईपीओ प्राइस था 75 रुपीज़, और जीएमपी 45 रुपीज़ में चल रहा था, और 120% का, ये 120 रुपया मतलब 60% का ये जीएमपी 45 दिखा रहा था। 8 जून को ये लॉन्च हो चुका है मार्केट में, और मैं इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, और मेरे को अलॉटमेंट मेरे को मिला है मिला था। ठीक है, मैंने इसको सेल कर दिया है। अलॉटमेंट आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट जो है ये कौशल्या लॉजिस्टिक्स है, इधर देख सकते हैं स्काईलाइन पे लाइन जो फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है उसमें यह लिस्टेड हुआ था। और ये जो है, जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर डालते ही अपना वो आ जाता है। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इसमें अगर आप इस लिंक में क्लिक करेंगे स्काईलाइन, ठीक है, इधर आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर इधर देखेंगे कौशल्या लॉजिस्टिक्स करके, ठीक है, इधर आप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा तो अपना पोर्टफोलियो शेयर वो कितना मिला है कि नहीं मिला है अलॉटमेंट वो आपको मिल जाएगा। मैंने इसको इधर डाला है, मेरा अलॉटमेंट हो चुका है, 1600 शेयर मेरे को मिला है। 120K मेरे को, मैंने अप्लाई किया था, मेरा अकाउंट से ये डेबिट हुआ है, और इतना शेयर मेरे को मिला है। और इधर लास्ट में दिख रहे हैं कि ये स्टेटस जो है ये अलॉटेड दिखा रहा है इधर, ठीक है, तो ये मेरे को मिल चुका है। और आज 8 तारीख है तो मैंने इसको सेल भी कर दिया, और प्रॉफिट जितना मिला है मैं उसी में बाय कर लिया है, मैं मतलब सेल कर लिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इधर जीएमपी थोड़ा अप डाउन चल रहा था, 45 जीएमपी दिखा रहा था, लेकिन 45 जीएमपी पे ये नहीं हुआ, ये लॉन्च हुआ 105 में ये लॉन्च हुआ है। मैं अपना मार्केट में जाके मतलब इधर आके देखा देता हूँ कि ये देख लीजिए कि ये जो कौशल्या लॉजिस्टिक्स, ठीक है, ये शेयर है, और इसको मैंने आप देख सकते हैं कि इधर कितना अभी कितने में चल रहा है, 105 105 इसका बिट प्राइस है, इसमें चल रहा है, और मैंने जो सेल किया था 103 में मैंने सेल कर दिया था, और 105 आते ही मतलब 103 दो एक दो में मतलब ये ट्रेड हो रहा था, लेकिन उससे पहले 105 आने से पहले ही मैंने ये 103 में बिट लगा दिया था कि कौशल्या का मार्केट का हालचाल लास्ट में जब एंड में इसका सही नहीं दिख रहा था कि एक बार ऊपर जा रहा है, पहले सबसे पहले ये 60% दिखाया, फिर जाके 45, फिर देखे 35, लगातार कम होते जा रहा है, फिर उसके बाद ये 45 जीएमपी पर दिखा रहा था, फिर इसमें बड़ी जैसी मतलब अच्छा हलचल नहीं दिखा, जिसके रिगार्डिंग मेरे को लोएस्ट लोएस्ट प्राइस में मतलब सेल करना पड़ा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इधर अभी बाई और सेल अभी चल रहा है इस मार्केट में। अभी आप लाइव देख सकते हैं कि मेरा 1600 जो क्वांटिटी है वो एस दिखा रहा है, ठीक है, ये सेल हो चुका है, और जितना पैसा है उसका 80% मेरा अकाउंट में अभी क्रेडिट भी हो चुका है, ठीक है। और मैंने जो सेल किया है उसमें मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है आपको पता करना है, तो मैं इधर कैलकुलेटर से आपको बता देता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करके हम बता देते हैं अभी कितना प्रॉफिट हुआ है, एक लॉट अलॉटमेंट से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैंने लॉट जो है वो 120 मतलब 1,20,000 एक लॉट 1600 शेयर था इसका, ठीक है, तो इसको सेल करके मेरे को कितना मिला है प्रॉफिट, ठीक है, तो 1600 शेयर इंटू करेंगे, मैंने बेचा कितने में, 103 में मैंने बेचा, तो कितना होता है, 1,64,800 रुपया मेरा बनता है, ठीक है।
इसमें मेरे को मिला है और मैं इसमें लगाया कितना, तो -1,20,000, तो 44,800 मेरे को प्रॉफिट हुआ है ये कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ में इन्वेस्ट करके। अब मैं इसको सेल आउट करके निकल गया। मालूम नहीं है कि ये नीचे आ जाएगा तो मतलब एक नीचे आ जाएगा 75 टच कर, तो मेरे को प्रॉफिट तो ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे को ओपनिंग मार्केट में ही मैंने सेल करके मार्केट से निकल आ गया, क्योंकि ये मतलब एनएससी एसएमई आईपीओ है, ठीक है। इसका मार्केट बहुत रिस्की होता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इसके लिए मेरे को मतलब इसी प्रॉफिट को लेके अच्छा खासा रकम भी है, ठीक है। तो इसी प्रॉफिट को लेके हम मार्केट से निकल आया है ये 44,800 रुपीस को लेके, ठीक है। तो ये कौशल्या लॉजिस्टिक्स आईपीओ का ये प्रॉफिट है। अगर आप इन्वेस्ट करो तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। रिस्क बहुत होते हैं एनएससी मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ऊपर नीचे होते रहेगा, तो नीचे आ जाएगा तो आपको अब लॉस बन जाएगा, फिर कभी प्रॉफिट होगा आपको मिलने में बहुत दिक्कत होएगा। इसके मैं प्रॉफिट गेन के लिए आईपीओ में लिस्टिंग किया था, ठीक है, कौशल्या लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट और भी आईपीओस आ रहे हैं, मैंने देखा है कि जीएमपी में जाओगे जाओगे तो इधर आपको मिल जाएगा कि कितना आ रहा है। 9 तारीख मतलब कल 9 जनवरी को ये दो आईपीओस आ रहे हैं, एक है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ और दूसरा है आईबीएल फाइनेंस एसएमई, ठीक है। एसएमई है ये 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ ज्योति ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ में है, ठीक है। इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। आपका ज्योति सीएनसी के लिए, ये ज्योति सीएनसी जो है ये ग्रो में लिस्टिंग हुआ है, ग्रो में अभी देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप बिना ब्रोकरेज जीरो सीएमसी एंड जीरो डीमेट अकाउंट चार्जेस का, जो डीमेट अकाउंट शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरे पास दो ही अकाउंट है, एक है ग्रो में और दूसरा है धन में, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में ही ओपन कर लीजिए, ठीक है। अगर आईपीओज में लिस्टिंग करके प्रॉफिट गेन करना है तो लिस्टिंग के दिन ही आपको प्रॉफिट गेन करके एक अच्छा खासा रकम भी कमा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में आईपीओज में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रिस्क भी उतना ही होता है, ठीक है। तो ज्योति सीएनसी में आपको मैं ग्रो में जाके मैं दिखा देता हूँ कि आपका ग्रो में क्या हलचल देखने को मिल रहा है इसको आईपीओ को लेके। ग्रो में ये जो है आप देख सकते हैं कि आईपीओस में सेक्शन में जाने के बाद कैसे जाएंगे, सबसे पहले जाना है आईपीओस में, डैशबोर्ड में जाके आईपीओस में, फिर आप देख सकेंगे कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 9 जनवरी 10 बजे ये होगा, मतलब आईपीओस के लिए, ठीक है। आप अप्लाई करने के लिए आपको इधर अप्लाई में क्लिक करना है, ये एक्टिवेट नहीं है, कल एक्टिवेट होगा, ठीक है। और 9 जनवरी से 11 जनवरी तक ये आईपीओस अप्लाई एप्लीकेशन के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट अगर आप मतलब कोई बिना चार्जेस का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अब आप धन में और ग्रो में मतलब अकाउंट करके आप इन आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं, और इन दोनों अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में एक पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है, ज़ीरो है, लेकिन ट्रेडिंग करने का चार्जेस देना पड़ेगा, जो 20 रुपया इंट्राडे है वो क्या होता है वो सब। और आईपीओस में इन्वेस्ट करना है तो आपको धन और ग्रो में आप मतलब लॉग इन उसमें साइन अप करके इसमें अकाउंट बना के इसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या लॉजिक्स
स्टैटिस्टिक्स को मेरे तरफ से, मेरे को लाइफ का मैंने पहला पहला जो है आईपीओज में पैसा लगाया, और उसमें पहला आईपीओज जब भी लगाया मैंने तभी मेरा आईपीओ लग गया, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। और अलॉटमेंट मेरा हो गया और मेरा पहला अलॉटमेंट मिलते ही मेरे को 44,800 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या लॉजिस्टिक्स को, एंड ऐसे ही बहुत सारा आईपीओस के वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।